नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ अर्शप्रीत जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं और डेरा सच्चा सौदा में काफ़ी समय से आते हैं। इनसे जानते हैं बीइंग गर्ल इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में, सन डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा के बारे में। अर्शप्रीत जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप कितने सालों से आ रहे हो डेरा सच्चा? मैं बचपन से फ्रॉम 21। कैसा इन्वायरमेंट लगता है? एनवायरमेंट मतलब अगर मैं देखूँ अपना बचपन से यहाँ आ रही, तो मैंने यही एनवायरमेंट देखा था शुरू से। बट जैसे कॉलेज लाइफ हुई और हम बाहर निकले, स्कूल लाइफ में भी बाहर निकले, तो अब जाके और ज़्यादा ये एनवायरमेंट ऐसे लगता है कि बस यही है, मतलब इस एनवायरमेंट को छोड़े ना, बिकॉज दैट दिस इज द सेफेस्ट प्लेस इन दी वर्ल्ड। लेकिन अर्शप्रीत जी, मीडिया में बिल्कुल इसका ऑपोजिट प्रेजेंट किया गया था जो आप बता रहे हो। मैम ऐसा है, देखो यहाँ पे अगर हम कहें 5 करोड़ अनुयायी हैं या 6 करोड़ हैं, तो अब वो लोग अगर हम चलो 1 करोड़ निकाल भी दें, 5 करोड़ अनुयायी जो इस टाइम भी एग्जैक्ट उसी तरीके से आते हैं, उन सब का ओपिनियन तो ये है कि दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस। और वो लोग जो यहाँ पे शायद 1 दिन 2 दिन भी नहीं आए, अपनी कवरेज के लिए आए हैं या नहीं आए, उन लोगों का ओपिनियन है कि दिस इज़ नॉट सेफ। तो मतलब एक कंपेरिजन भी ऐसा इनवैलिड से हो जाता है, दैट वाई शुड वी कंपेयर देम टू दैट सच अ बिग स्ट्रेंथ, बिग मास जो यहाँ पे आते हैं। और मीडिया की जो एलिगेशंस हैं, अगर हम देखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा यूथ भी है, अगर हमारी मतलब पॉपुलेशन है इंडिया की स्पेसिफिकली, तो वो लोग क्या करते हैं अगर मीडिया में कोई न्यूज़ आ रही है कि आप तक सच बोल रहे हैं कि आप तक नहीं, बिकॉज द फेस मतलब द ब्लैक फेस इज क्लियर, बहुत लोगों को पता है, कोई कोई होगा जो सही है, अदरवाइज मोस्ट आर मतलब मोस्ट आर सच मीडिया अथॉरिटीज़ जो कि नहीं सच से बता रहे किसी भी चीज़ को। बट जो यहाँ पे अब यहाँ के बारे में कोई बात आती है, तो वो तो पक्का 100% उनकी सही होगी, बट बाकी चीज़ों के बारे में उनका ओपिनियन है वो गलत होगा। तो ये भी बहुत एक कहते हैं ना रेशनल सी बात है इनके बारे में, मीडिया के बारे में बिल्कुल गलत जो एलिगेशन गुरुजी के ऊपर लगाए, 100% गलत हैं। अब इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि सब अनपढ़ आ रहे हैं, इनफैक्ट 95% जो यहाँ पे आते हैं अच्छे एजुकेटेड हैं और उनकी मतलब रिच जिन्हें कहते हैं रिच फैमिलीज के हैं, अच्छे बैकग्राउंड से हैं, वो सब तो मतलब दे हैव पॉजिटिव ओपिनियंस। तो ऐसा कुछ नहीं है उनके ऊपर, कोई एलिगेशन जो है वो सही नहीं है, दिस इज जस्ट स्कैम, काइंड ऑफ स्कैम। एक्चुअली ट्रूथ क्या है? एक्चुअली ट्रूथ ये है कि गुरुजी बेसिकली जो भी आज तक का रिकॉर्ड है, मतलब अगर हम अभी से नहीं बहुत स्टार्टिंग से भी देखें, चाहे हम गुरुओं के बारे में देखें, चाहे हम मतलब अलग अलग धर्म हैं जो उनके जो भी अगर हम कहें जो उनके सेंट्स हैं आज तक उनके बारे में देखें, या फिर भगवान के बारे में भी देखें जिनको हम कहते हैं भगवान अलग अलग धर्मों के अकॉर्डिंग, तो उन सब के ऊपर ऐसा तो है नहीं कि उनकी मतलब बिल्कुल फ्लॉलेस हमेशा चला है कि शुरू से ही सब जय 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 करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं रहा ही नहीं। हमेशा लोगों ने एलिगेशन लगाए हैं, क्यों? क्योंकि जब अच्छे काम बढ़ रहे होते हैं तो कोई ना कोई तो ऐसा होता है जिसका धंधा वहाँ से छूट रहा होता है, तो अब लिक्विड छुड़ा रहे हैं, मतलब जो समाज में इस टाइम सबसे गंदी चीज़ें हैं उनके ऊपर गुरु जी का अटैक है डायरेक्टली, और इसलिए जो उनको सेव करना चाहते हैं उनका अटैक गुरु जी के टूवर्ड्स है। तो बस इतनी चीज़ें हैं कि ये एलिगेशन हैं उनके ऊपर, और कोई रीज़न नहीं है कि गुरु जी के ऊपर कोई इल्ज़ाम है। ऐसा क्या गुरु जी ने सोसाइटी के लिए किया है? मैम गुरुजी ने सोसाइटी के लिए, चाहे हम ये कहें, हम लोग कहते हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट, लेकिन उन्होंने सिर्फ वीमेन एम्पावरमेंट नहीं, मतलब वीमेन मैन और थर्ड जेंडर जिनको कोई कंसिडर भी नहीं करता, और या ऐसे वेगाबॉन्ड्स मतलब जिनको कहते हैं हम रोड से जाते जाते देखते हैं बहुत लोग, मतलब जो मेंटली दे आर अनेबल टू फिक्स विद पीपल, बट उन लोगों के साथ क्या होता है कि हम उन्हें अवॉइड कर लेते हैं, वी जस्ट अवॉइड देम, दे जस्ट पास आउट ऑफ दी वे। बट क्या होता है, गुरु जी ने ये चीज़ सिखाई है कि उनके बारे में भी सोचो, मतलब अगर हम चलते चलते जानवर भी देख रहे हैं ना, उनके बारे में भी सोचते हैं। इससे अलग बात यहाँ पे है कि अगर हम वीमेन एम्पावरमेंट कहें, हम बच्चों के लिए कहें, हम गरीबों के लिए कहें, हम नशा छुड़वाएं, जो सबसे बेसिक यहाँ पे गंदगी है जिसके कारण यूथ हमारा नेगेटिव होता रहता है, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट, तो वो चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन गुरु जी का ही है। वो तो कोई ऐसी मतलब पॉलिटिकल पार्टी भी कोई ऐसी नहीं है, ये कोई ऐसी अथॉरिटी या एनजीओ भी कोई ऐसा नहीं है जो कि उस लेवल पे काम करो जैसे गुरु जी ने किया। आप पब्लिक को क्या अवेयर करोगे, खासकर गर्ल्स की, जिनके माइंड में इमेज मीडिया के थ्रू जहाँ जो भी इतनी बातें दिखाई जा रही थी उनके थ्रू बनी हुई है गर्ल्स के लिए? तो स्पेशली देखो हम भी लड़कियां हैं, और हमारे जैसी यहाँ पे मतलब अगर आप 10, 20, 50 ऐसी लड़कियां हैं या फिर जितनी भी हैं जिन्होंने कभी देखा नहीं इस साइड,
जिनको इस बारे में पता ही मीडिया के थ्रू लगा है या फिर ऐसे किसी ना किसी से सुन सुना के पता लगा है, और हम लोग हैं जो बचपन से या फिर बहुत बहुत सालों से जो लोग यहाँ पे आ ही रहे हैं। तो अगर आपको असल में जानना भी है कुछ तो वो हम लोग उन लोगों से जाके पूछो। चलो सिर्फ हमसे नहीं, और भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे जाके आपको पूछना चाहिए कि आप वहाँ जा रहे हैं तो आप बताओ हमें कैसा इन्वायरमेंट है। बिकॉज एक फैमिली के इंसान से ही फैमिली के दूसरे इंसान के बारे में पता लगता है, दुनिया से हर एक के बारे में नहीं। तो वो लोग अगर दूसरों को ओपिनियन के ऊपर इतना रिलाई करेंगे, वो भी जो कि आए ही नहीं, जिन जो जानते ही नहीं कभी इन चीज़ों को, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। संत जी को ही टारगेट क्यों किया गया, जैसे आप कह रहे हो इतना, मतलब इतना पब्लिक को इतना मिसगाइड किया गया मीडिया के द्वारा या किसी तरीके से भी? मैम ऐसा है, अगर संत जी का ये काम, मतलब जो उन्होंने मानवता भलाई के कार्य किए हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स यहाँ होते हैं, अगर वो ऐसे ही लगातार चलते जाएंगे तो, मतलब कुछ लोग तो हैं जिनको डर है, वो जो जिन्हें किंग का, अगर मैं वो स्पेसिफाई ना करूँ, जिन्हें किंग्स कहते हैं, वो चाहे हम अंडरवर्ल्ड की बात करें, चाहे हम किसी को अंडरवर्ल्ड नहीं, जो भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो बुराइयों को रखना चाहती हैं बेसिकली, तो उनका काम कैसे चलेगा? एंड दे फील themselves as power, they are not power, but still they feel so. तो अगर वो ऐसे हैं तो अब गुरु जी यहाँ काम करते रहेंगे तो सब सुधर जाएंगे, तो उनका कौन उनको पूछेगा? तो फिर डेफिनेटली कोई ना कोई तो है जो उनके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, बस उतनी चीज़ है। 79 जो वर्ल्ड रिकॉर्ड गुरु जी के नाम पर, क्या रियलिटी है? वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं ये, मतलब ऑफिशियल बुक्स हैं ये, कोई ऐसे तो है नहीं कि गली गांव की एक बुक है जिसके अंदर चार लोगों को बोल दिया और वो पूरे गांव में बात कर ली। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है, एशिया में है, लंका में है, और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बुक है, इंडिया बुक रिकॉर्ड्स में है। तो ये ऑफिशियल है, ये ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए कोई हमारे लिए चीज़ होती है, तो रूमर्स नहीं है वो, डेफिनेटली वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं, सच में वो चीज़ें होती हैं। जो ब्लड डोनेशन की इतनी यूनिट्स है, और कहाँ और किसका रिकॉर्ड है कि इतना ब्लड डोनेशन, इतना ट्री प्लांटेशन, कोई भी नहीं। ये सिर्फ गुरु जी का रिकॉर्ड 100% ट्रू है। 3-4 सालों से गुरु जी क्या इम्पैक्ट? इम्पैक्ट तो हम देख रहे हैं, देखो ऐसा है गुरु जी के, मतलब अगर देखा जाए तो गुरुजी ने जो काम स्टार्ट किए थे, उनके वॉलंटियर्स हैं, दे आर इन करोड़्स, और वो मतलब अपने उन कामों को एग्जैक्ट उसी तरीके से चला रहे हैं, बट एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन, मतलब एक टीचर के बिना एक क्लास प्रॉपर काम नहीं करती, तो वो टीचर का कमी तो करती ही करती है, और वो इतनी कर रही है कि मतलब जिस तरीके से, जिस रफ्तार से एक्सपेंड कर रहे थे गुरुजी इन चीज़ों को, वो एक्सपेंशन अब रुकी हुई है, और उसके कारण जो बुराई है, जो इविल है, वो एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहे हैं उस स्पेस पे, और इतनी बुरी, मतलब कहते हैं ना, स्मोकिंग एंड लिक्वर एंड एडिक्शन।